हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2006 का इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो आज से फिर से हम शुरू करेंगे और ये पेपर 3 पार्ट्स में अपलोड होगा। तो आज जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो करेंगे एंशियंट पार्ट, और कल करेंगे मिडवेल, और उसके बाद मॉडर्न। तो ये लास्ट पेपर है क्योंकि हमने दिसंबर 2019 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं 2004 से स्टार्ट करके दिसंबर 2019 तक। आपको सभी के सभी पेपर्स मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट पेपर है, इसके बाद पेपर सॉल्विंग वाला जो वीडियो है वो स्टॉप कर देंगे हम। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने प्रश्न पत्र पे, और यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 है। तो 1 में क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थीं, यानी राजधानियां नहीं मानी है। तो ये कथन देने वाले थे एफ आर अलचीन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? तो विकास की जो अवधारणा मानी गई है वैदिक दर्शन में, वो मानी गई है एकेश्वरवाद तथा एकात्मकवाद। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ये बहुत पैट क्वेश्चन की तरह है, और अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे क्वेश्चन पेपर वाले तो आपको ये मिला भी होगा आंसर, कपिल। कपिल थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुनी गुफा निर्मित की गई। तो ये निर्मित की गई थी दशरथ के द्वारा। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषय कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो सिंचाई विषय कार्यों का उल्लेख किस में मिलता है? तो नंदों का। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो साखियों तथा कोलिय के मध्य सीमा निर्धारित करती है वह था रोहिणी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नदी जो शाक्य तथा कोलिय के मध्य सीमा निर्धारित करती है वो हो जाएगा रोहिणी। फिर ताम्र, तो ताम्र भंडार निम्नलिखित मृद भांडों से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसमें शायद बी होगा, इसमें मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, गेरू रंग के मृद भांड से। तो अगर आप कंफर्म है, इसका आपको रेफरेंस ठीक मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर आगे चलते हैं, रोमन साम्राज्य के स्वर्ण बहिर्गमन के बारे में किसने कहा? तो प्लीनी ने कहा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि पल्लवों ने गोदी बनाई। तो पल्लवों ने गोदी बनाई कहाँ पे बनाई थी? कल्याण में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम्मिलित करने का प्रश्न आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है राज राज प्रथम, राज राज प्रथम को हम करेंगे बृहदीश्वर मंदिर से। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को हम करेंगे श्रवण बेलगोला में। पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त को करेंगे सुदर्शन झील से। राजेंद्र चोल गंगेकोंड चोलपुरम से। फिर से देख लेते हैं, राजराज प्रथम बृहदीश्वर मंदिर, चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला, पुष्यगुप्त सुदर्शन झील और राजेंद्र चोल गंगेकोंड चोलपुरम में। तो इस तरह से मैचिंग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुमित्र,
यहाँ पे भी सूची दी गई है, सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। वसुमित्र, वसुमित्र हो जाएंगे, वसुमित्र कनिष्क से, ये जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं उससे संबंधित है। फिर पतंजलि, पतंजलि हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग से, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से, और हरिशेण हो जाएगा समुद्रगुप्त से। फिर से देख लेते हैं, वसुमित्र, कनिष्क, पतंजलि, पुष्यमित्र सुंग और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, हरिशेण, समुद्रगुप्त से। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन की अवधारणा है, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, यह कार्य और कारण में विश्वास करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है। तो यहाँ पे भी कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया, सही है। रीजन दे रहा है, वह इंडो ग्रीक शासक था, ये गलत हो रहा है, वो एक राजदूत था। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, अषाढ़ अभिलेख में गुजर गुप्त राजाओं की वंशावली को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ हमें सही क्रम को चुनना है, तो इसमें जो क्रम बन रहा है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त प्रथम और कुमार गुप्त, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीनी सम्राट ताई सुंग ने हर्षवर्धन के राज दरबार में कितने दूत भेजे? तो इसने कुल दो दूत भेजे थे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक तो ये एंशियंट के क्वेश्चन हैं और 16 से मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे मैं सॉल्व तो अभी नहीं कराऊंगी, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। और मैं क्वेश्चंस आज आपको बता देती हूँ, और अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16, अबू रेहान बिरूनी लिखित भारत वर्णन है, तो किसमें भारत का वर्णन किया गया है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सल्तनत काल में प्रशासन के केंद्रीयकरण का प्रथम प्रयास किया था, तो किसने प्रथम प्रयास किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, तब काते नासिरी उजर भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है, तो कौन सी शताब्दी पर प्रकाश डालती है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को चूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित यात्री मध्य युग में भारत आए, उनके आगमन के सही क्रम को बताएं। तो यहाँ पे क्रम दिखाया हुआ है, इसमें से हमें चूज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नहीं है? तो ये ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, ये ऑप्शन दिए गए हैं और कौन बंदरगाह नहीं है उसी को हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबर ने आत्मकथा लिखी, किस भाषा में लिखी थी? तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पॉज करके भी ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी नहीं, उससे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, चित्रकला को संरक्षण दिया, मतलब चित्रकला का विकास जिसके काल में सबसे ज़्यादा हुआ वह कौन सा काल था, उसी ने संरक्षण दिया? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 17वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे, तो क्या व्यापार करते थे? यहाँ पे चूज करना है। फिर 17वीं शताब्दी में भारत में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिद्वंदी थी। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो यहाँ तक मिडविल के थे। मिडविल में अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, तो इसके बाद ही मैं वीडियो इस पर अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अपनी प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।